हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि दूध से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे बटर, दही, योगर्ट, बटर मिल्क आदि चीज़ें बनाई जाती हैं और इन चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हमारा सहयोग करते हैं, जिनकी मदद से ही दूध से ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ का निर्माण हो पाता है और जिन्हें हम आसानी से खा पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि आखिर ये दूध जो इतना स्वादिष्ट होता है और पौष्टिकता से भरा होता है, जिसको बच्चे से लेकर के बूढ़े खाना और पीना बहुत ही पसंद करते हैं, इससे जो दही बनने की प्रक्रिया होती है आखिर वो कैसे बनती है और दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग होता है, इसके बारे में तो हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में जाना था, जिस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों, दही भी खाने में बहुत पौष्टिक से भरा होता है, जो दूध का ही एक रूप होता है। दोस्तों, आपके घरों में दूध से दही बनते हुए आपने हमेशा देखा जरूर होगा। दूध से दही बनाते समय हम लोग दूध को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं और जब थोड़ा वो गुनगुना हो जाता है तब उसमें थोड़ा सा दही का हिस्सा डाला जाता है, जिसको जामुन कहा जाता है, और उस जामुन यानी दही के थोड़े से हिस्से में बहुत सारे बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से वो दूध दही में बदल जाता है। तो इस तरह से दूध को दही में बदलते हुए हम लोगों ने अक्सर अपने घर में या अपने घर के आसपास और किसी के घर में ज़रूर देखा और सुना ही होगा। तो इस तरह से दूध दही में बदल जाता है। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने पहले भी जाना है कि दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यानी यही वो बैक्टीरिया होता है जिसकी मदद से हम दूध से दही बना सकते हैं। दोस्तों, यह बैक्टीरिया दही में उपस्थित होता है और इसी दही को जब हम गुनगुने दूध में डाल देते हैं तो वह दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हमको दूध से दही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का यह चित्र है। इसी तरह के लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर्दियों में दही लेट से जमता है, परंतु गर्मी के मौसम में दूध से दही बहुत ही जल्दी जम जाता है। इस कारण को जानने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा हम करेंगे। दोस्तों, गर्मियों में हमारे आसपास का तापमान लगभग 30 से 45 या लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है, अतः गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए लगभग 30 से 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है और गर्मी के मौसम में यह टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, इसलिए ये बैक्टीरिया आसानी से दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए अपना मल्टीप्लिकेशन यानी अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और इस कारण से गर्मी के मौसम में ये अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के कारण ही दूध को दही में बहुत ही जल्दी बदल देते हैं। परंतु ठंडी के मौसम में तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इस वजह से ये जीवाणु इनएक्टिव हो जाते हैं। अतः जब ये जीवाणु ठंडी के मौसम में इनएक्टिव हो जाते हैं या बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, तो इस कारण से इनको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या अपनी बाकी की फिजिकल प्रोसेसेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है और इस कारण से ये दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही अधिक समय का उपयोग करते हैं। तो इस कारण से सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कम होने के कारण दूध से दही बहुत ही देर में जमता है, परंतु गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होने के कारण जब बाहर का तापमान अधिक होता है और इनके लिए
फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अपने नंबर को इनक्रीज करते हैं। तो इस कारण से गर्मी के मौसम में दही जल्दी जमता है, परंतु सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कम होने के कारण सर्दी के मौसम में दही बहुत देर से जमता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।